we are going to start our chapter R, that is India's climate. Okay, it is geography. सभी को पता है ना अभी हमारा कौन सा चल रहा है, ज्योग्राफी हम स्टार्ट किए हैं. ठीक है, ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है ये. ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक. म्यूट योर माइक. ओके, बुक निकाल लिया आप सभी ने? यस मैम. यस मैम. यस मैम. चलिए सो लेट्स स्टार्ट वेदर एंड क्लाइमेट. ओके, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ना. अमित, कोई भी साइन नहीं करोगे आप, कोई भी बदमाशी करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगी क्लास से. ठीक है, उसके बाद मुझे किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं सुनना है ना कोई एक्सक्यूज सुनना है किसी का. चलिए स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट. रीड कौन करेगा वेदर एंड क्लाइमेट? मैं करूं. कौन कौन है मैम? प्रवीण तो कर चुका था, अभिषेक गुप्ता, जिन्होंने एक भी बार रीड नहीं किया है, अर्पिता पांडे. चलो कौन कर रहा रीड? प्रवीण. यस मैम. द चेंजेस मैम, द चेंजेस दैट The changes that alter occur atmosphere condition, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, clouds and rainfall in any place in a short span of a few minutes, days or month is known as the weather. The weather changes constantly. It changes many times in a day, so the morning can be very different from the afternoon. Stop your reading. ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट से आप लोग क्या समझते हैं? वेदर एंड क्लाइमेट से आप लोग क्या समझते हैं बताइए किसी को? वेदर एंड क्लाइमेट होता क्या है? हाँ, टेम्परेचर, एटमोसफियर, प्रेशर. ओके, और नेक्स्ट और कोई? चलिए हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड रेनफॉल, ये जो सिक्स चीजें हैं वो क्या करती है? कुछ जो है मिनटों में चेंज होती है, तो कुछ क्या होता है आवर्स में चेंज होते हैं, कुछ मंथ में या कुछ डेज में चेंज होते हैं. ठीक है, कोई भी टाइम में चेंज हो जाता है, चाहे मिनट्स में हो, डेज में हो, मंथ में हो, चेंज होने की वजह से जो अफेक्ट पड़ता है वो है हमारा वेदर. यानी कि जो वेदर है वो क्या होता है, चेंज होता है अलग अलग सिचुएशन में चेंज होते हैं और वो वेदर. ठीक है, आप लोग देखे होंगे, हो सकता है सवेरे बारिश हो रही हो तो शाम को कैसा हो जाता है मौसम, डिफरेंट हो जाता है. अभी जैसे कितना अच्छा मौसम है मॉर्निंग में, ठीक है, धीरे धीरे आफ्टरनून आते आते क्या होता है वेदर चेंज हो जाता है ना, थोड़ा गर्म हो जाता है. yes, ma'am. धीरे धीरे आफ्टरनून में और गर्म हो जाता है. शाम इवनिंग आते आते कैसा हो जाता है वेदर, बिल्कुल चेंज हो जाता है. मतलब रात होते तक जो वेदर वो कैसा हो जाता है, काफी ठंडा हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट. यस मैम. नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैम मैं करूं. चलो कौन, नाम बताया करो आप लोग. मैम पलक. ओके चलो रीड करो. क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन. यहाँ से रीड. क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन ऑफ टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन
means the av average the average weather condition over more than 30 years we can understand the climate of a place by looking during a day in the उसको अकेले पढ़ने दीजिए साइड में जो भी उनको नहीं बताएंगे पलट आप खुद से लर्न करिए ठीक है कोई भी नहीं बताएगा कि वो क्या क्या वर्डिंग है क्लास नाइन्थ में बेटा आप खुद से रीड करिए नहीं बताएंगे पेरेंट्स घर में जो भी है उनको नहीं बताएंगे अगर वो रीड कर रही है तो द वेदर स्टेटस ऑफ द प्लेस फॉर एग्जाम्पल इफ वी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे इन दैट प्लेस एंड डिवाइडेड इन टू इट बाय टू वी गेट द एवरेज डे टेम्परेचर दैट ऑफ दैट प्लेस इट It is same way we can calculate the average monthly temperature by adding the daily average temperature during the month and divided the total by 3 or 31. 30 or 31. The number of day in that month if we know The average temperature of month, average the temperature of month each. कहाँ जा रही है यार अब बस ये है each month of the year and divide the total by 12. Okay, stop reading. Get the average annual temperature if we then. At the average annual temperature of 31 year and divide the total by आप पहला क्या करोगे घर में रीडिंग किया करो ठीक है yes, पैराग्राफ जो आप लोगों को दिया जाता है उसको आप रीडिंग करेंगे तो ऑलरेडी आप रीडिंग कर देंगे चलिए ओके इस पैराग्राफ में क्या बताया गया ये अंडरस्टैंड करते हैं हम ठीक है यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लाइमेट है आप लोग देखे होंगे कि एवरेज निकाला जाता है पहले यहाँ पर बताया गया है कि क्लाइमेट क्या है अगर हम मोर देन 30 ईयर का जो टेम्परेचर है वेदर कंडीशन का 30 ईयर से ज्यादा है जो एवरेज हम यहाँ पे 30 ईयर्स का एवरेज निकालते हैं उसको यहाँ पर बोला गया है क्लाइमेट अगर हमको किसी भी प्लेस के बारे में जानना है या जगह के बारे में जानना है कि वहां का जो वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या वहाँ बहुत ज्यादा वेदर कंडीशन के बारे में जानना है तो क्या करते हैं क्लाइमेट को देखते हैं मीन्स क्या है वहाँ पर पिछले 30 साल में वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा था ये चीज हम लोग को देखते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से निकाला जाता है वेदर के एवरेज को अब जैसे कि यहाँ पर एक दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है ठीक है अगर एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर निकालते हैं और एक मिनिमम टेम्परेचर को देखते हैं सपोज कर लेते हैं कि एक दिन में मैक्सिमम डिग्री जो है 40 सेंटीग्रेड डिग्री है ठीक है मतलब पहले एक दिन में कितना मैक्सिमम डिग्री था 40 सेंटीग्रेड डिग्री और मिनिमम डिग्री जो था वो कितना था 23 सेंटीग्रेड डिग्री था ठीक है तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमको उस दिन का डे टेम्परेचर निकल जाएगा क्लियर है समझ आया मैक्सिमम सेंटीग्रेड डिग्री है और अगर मिनिमम 23 सेंटीग्रेड डिग्री है तो हम उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का टेम्परेचर निकल जाएगा ठीक है अब क्या हुआ मैक्सिमम टेम्परेचर को एक दिन का और एक का मिनिमम टेम्परेचर को ऐड करेंगे उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक दिन का डे टेम्परेचर निकल जाएगा ओके उसी तरीके से जब हम हर दिन का टेम्परेचर
मीन्स हर डे का टेम्परेचर निकालते हैं तो 30 डे का हमारा क्या आएगा, डेटा आएगा, तो इन सबको हम ऐड करके डिवाइड बाय 30 करेंगे, तब 31 करेंगे, या तो आप 30 करोगे या तो 31 करोगे, ठीक है, डिपेंड करता है मंथ वाइज, क्योंकि जैसे कि जनवरी आपका कितने दिन का होता है, फरवरी कितने डेज का होता है, 28 या 29 का होता है, ठीक है। अब 31 उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि अगर आप डिवाइड करोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज मंथली टेम्परेचर निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एवरेज मंथली टेम्परेचर निकल जाएगा, जितने भी मंथ के जो भी एवरेज टेम्परेचर आए उनको ऐड करके, ठीक है, जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो एक साल का हमको एवरेज टेम्परेचर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। आप चाहे जनवरी का 31 लीजिए, फरवरी का 28 लेंगे, मतलब एवरी मंथ का आप अलग अलग टेम्परेचर लेंगे, तो फिर उसके बाद सभी को जब ऐड करके 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको 1 ईयर का एवरेज टेम्परेचर निकल जाएगा, क्लियर। पूरे एक साल का एवरेज टेम्परेचर निकलेगा। अब आपको यह चीज यहाँ पर पूरा बताया गया है कि अब एक साल का निकला है आपके पास, मतलब पूरा डेटा कलेक्ट हो गया, ओके। अगर आपको 30 इयर्स या 31 ईयर का निकालना है तो आप क्या करोगे, जितने भी इयर्स हैं 30 इयर्स के डेटा हैं उनको ऐड करके 30 या 31 से डिवाइड कर लोगे तो आपका डेटा एवरेज मंथली जो भी है ईयर का वो निकल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हाँ, कहाँ से हमारा हुआ, टेम्परेचर से पढ़ोगे, ठीक है। टेम्परेचर इज वन कम्पोनेंट ऑफ क्लाइमेट, अदर कम्पोनेंट इंक्लूड एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर एंड रेनफॉल। वी कैन फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस बाय स्टडिंग ऑल दिस कम्पोनेंट टूगेदर। टेम्परेचर एंड रेनफॉल डायरेक्टली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। ओके, स्टॉप रीडिंग। यहाँ पे क्या बताया गया है, टेम्परेचर इज वन कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर जो है वो सिर्फ एक क्लाइमेट का एक कंपोनेंट है, और क्या क्या कंपोनेंट है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा क्लाइमेट है, वो आपका डिपेंड करता है एयर प्रेशर के ऊपर, विंड के ऊपर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर एंड रेनफॉल, ये सबके ऊपर क्या करता है, क्लाइमेट डिपेंड करता है, ठीक है। जो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और रेनफॉल क्या करते हैं, डायरेक्टली जितने भी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन है, और बहुत सारी ये चीज है, उसको क्या करता है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है और बहुत ज्यादा इफेक्ट लाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या रेनफॉल बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर जो है क्या हो जाएगा, रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो एग्रीकल्चर जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री के भी काम रुक जाएंगे अगर रेनफॉल, या फिर बहुत ज्यादा ये सारे चीज कंस्ट्रक्शन के काम रुक जाएंगे, तो वही इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे अगर ओवर बहुत ज्यादा होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ फैक्टर्स है। मैम आई कैन रीड? यस, ओके मैम। फैक्टर्स दैट कंट्रोल द क्लाइमेट। द अर्थ सरफेस इज वेरी वास्ट एंड वेरीड, देयर आर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। The surface of the continents is not the same everywhere. Some places have high mountains, some have plains, some places have dense forests, some have vast deserts. The oceans are also not evenly spread across the earth's surface. Water covers 39% of the northern hemisphere and 81% of the southern hemisphere. These surface differences influence the process of heating and cooling of the atmosphere. This uneven heating and cooling of the atmosphere is what controls the climate. The main causes of climate variation in the Indian subcontinent are the following: latitudinal position, altitude, distance from the sea, air pressure, the Himalaya range, human factors.
ओके हो गया पूरा पढ़ना. यस वेरिएशन इन इंडियन सेवन. ओके देखिए अब यहाँ पे क्या बताया गया. ठीक है जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन में ऑलरेडी शेयर किया गया पैराग्राफ उसको देख लेंगे. द अर्थ सरफेस फॉलिंग. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है अर्थ का जो सरफेस है आप देखे होंगे सभी के पास बुक है तो ऑलरेडी पिक्चर्स दिख रहे होंगे अर्थ कहाँ है सरफेस क्या है. ठीक है यहाँ देखते हैं क्लियर स्क्रीन में दिख रहा है सभी को जो अर्थ है बंद हो जा रही बार बार ओवर नहीं हो जा रही आवाज ही है ना बंद हो जा रही है. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम अभी आई. चलिए पहले बंद हो गया था सॉरी गलती से नोट था. अपन कहाँ पे थे यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे थे ना फैक्टर को तो अर्थ के बारे में अर्थ आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे अर्थ के बारे में हम अंडरस्टैंड कर रहे थे. ठीक है अब जो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया जो अर्थ का जो सरफेस है वो क्या होता है बहुत बड़ा मीन्स वास्ट है और वेरियड है मतलब हर जगह पर जो अलग अलग चीज है कहीं पर आपको कंटिनेंट मिलेंगे कहीं पर आपको ओशन मिलेंगे. जो सरफेस है अर्थ का जो हर जगह सेम नहीं होता है. ठीक है हर जगह कैसा होता है चेंज होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप कहीं खड़े रहते हैं किसी प्लेस या किसी जगह पे रहते हैं तो आप एक ही डायरेक्शन दिखाई दे रहा है एक ही डायरेक्शन लेकिन जब आप थोड़े आगे जाएंगे दूर जाएंगे तो आपका लेवल या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा. ठीक है इसी तरीके से पूरे अर्थ का जो सरफेस है एक जैसा नहीं होता है. कहीं पर आपको माउंटेन देखने मिलते हैं कहीं पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा कहीं डिजर्ट है. हर जगह पर क्लाइमेट भी अलग अलग है और साथ में जो सरफेस है वो भी अलग है. वाटर जो है वो करीब 39% है हमारे अर्थ में. ठीक है उसका जो 39% है
जो वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में और 81% जो है वाटर वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ये जो वाटर कंटेन है वो क्या करता है, हीटिंग के प्रोसेस में और कूलिंग के प्रोसेस में हमारे एटमोसफियर को हीट करने के लिए या फिर कूल करने के लिए इंक्लूड होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो इसमें बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या करती है, कहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है उसको क्या करते हैं, क्वारी करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है उसमें हीटिंग कूलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है, क्लाइमेट। ओके, यही जो हीटिंग और कूलिंग एटमोसफियर है यही क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को और आसपास के क्लाइमेट को। यहाँ पर आपको मेन कॉज है क्लाइमेट वेरिएशन के, इसको अब हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग आपको वेरिएशन दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे लैटिट्यूडनल पोजीशन दिया हुआ है, सेकंड आपको एल्टीट्यूड दिया है, थर्ड है आपका डिस्टेंस, एक मिनट स्क्रीन में नहीं लिखा, डिस्टेंस फ्रॉम क्या लिखा है थर्ड नंबर, नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं मैम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट आपका लेटिट्यूडनल पोजीशन, सेकंड आपका एल्टीट्यूड, थर्ड है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ है आपका एयर प्रेशर, फिफ्थ द हिमालयस रेंज और सिक्स है आपका ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेटिट्यूडनल पोजीशन रीड कौन करेगा, जिन्होंने एक भी बार नहीं किया है। मैं करूं। कौन है मैं, अभिषेक मैम, मैं अरविंद प्रजापति। ओके अरविंद, चलिए रीड करिए लेटिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, लेटिट्यूडनल पोजीशन, द सन इज रे फुल vertically on the equator throughout the year as we move from the equator to the poles, the sun's rays spread over a large area of the earth's surface because the earth is a physical see figure 3.1, so the heat energy received per unit areas becomes lesser as we move away from the equator, as a result the temperature lower ma'am, thoda sa upar karo to. Yes ma'am. The distribution of the sun heat, depends distribution of the sun heat depends on the latitude the temperature is hottest, ma'am, aage highest near the equator and lowest near the poles. The poles. Stop reading Arvind, go. Yeah. ab dekhiye ab yahan par kya bataya ja raha hai, jo earth hai, earth ka jo इक्वेटर है, इक्वेटर मीन्स अर्थ का जो सेंटर से एक क्या निकलती है, लाइन निकलती है जिसको इक्वेटर कहा जाता है। सभी को पता है कि इक्वेटर के पास में जो सन रेस है, सन रेस दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पे सन रेस यहाँ लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, सन रेस है वो बहुत ज्यादा पड़ते हैं, जिसके पास सन रेस होते हैं वहां बहुत ज्यादा क्या होता है, इक्वेटर के पास के जो एरिया होते हैं, ठीक है, जो एरिया रहता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। जैसे कि हम लोग ऊपर में या नीचे में मूव करेंगे, अर्थ के सन रेज जो रहते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी है यहाँ या तो सन रेज के या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा। सबसे कम रोशनी जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होते हैं। ठीक है, देखेंगे आप नॉर्थ पोल में भी रोशनी उतनी नहीं पड़ती है देन साउथ पोल में, जिसकी वजह से वहां पर क्या हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है,
ठीक है, ये सबसे हॉटेस्ट कहाँ पर रहता है, वो इक्वेटर के पास रहता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे या फिर ऊपर इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो वहां पर जो मौसम है, ठीक है, या बोल सकते हैं वहां पर जो सन रेस है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से वहां पर गर्मी कम पड़ती है। यही बता रहा है आपको कि लैटिट्यूड क्या करता है, सन की जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड के ऊपर। यही यहाँ पर बताया गया है, जो इक्वेटर के पास का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा, वो बहुत ज्यादा रहता है, और जो और कम जो है वो पोल के पास रहता है। मतलब जो सन रेस के पास रहेंगे वहां पे का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और जो पोल के पास रहेंगे वो कैसा रहेगा, वहां का टेम्परेचर डाउन होगा। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को डिस्कस करने के बाद हम आगे का नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। अभी अंडरस्टैंड किया है, सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग आज क्या करेंगे, व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर, दोनों के आंसर लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा मैम। थैंक यू मैम। सभी को पता है व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर, एनी डाउट? नो मैम। चलिए लीव इन द क्लास। थैंक यू मैम। ओके नाइस डे मैम। Thank you.